Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak hi everyone बच्चे ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास में ये टॉपिक हमारा दो तीन एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है एक तो ये हमारा इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है सेकेंडली इसके अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दो मेजर एजेंसीज जो हैं बच्चे वो आपकी इन्वॉल्व हैंट इज आपकी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डी आर आर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड दर्ल्ड म्यूटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 ट्वेंटी रिपोर्ट मल्टी जार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 रिपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेदर फोरकास्ट मिल जाता है है ना आपके पास में आपका अर्थ को वार्निंग सिस्टम है आपके पास में आपका सुनामी वार्निंग सिस्टम है राइट इस टाइप के आपके वार्निंग सिस्टम है तो ये सारे सिस्टम को कलेक्टिवली हम मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से जानते हैं राइट तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है जैसे रिसेंटली आपको पिछले कुछ टाइम से आपके मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आते होंगे है ना कि ठंडा uh, स्टॉम आने वाला है ट्राई टू स्टे इंडोर्स है ना आईएमडी के मैसेजेस आ रहे हैं राइट दैट मीन्स कि इंडिया ने इस फील्ड के अंदर थ्राइव किया है क्यों हम इस फील्ड के अंदर थ्राइव करना चाहते हैं बहुत बहुत लॉजिकल सा बहुत बेसिक सा कारण है उसके पीछे क्योंकि वर्ल्ड के अंदर बच्चे नाइन्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द कवरेज ऑफ नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क सम फॉर्म ऑफ मोबाइल नेटवर्क मे और मे नॉट बी इंटरनेट पर नब्बे परसेंट से ज्यादा लोग जो हैं वर्ल्ड के ये इसी रिपोर्ट ने कहा है वो आपका मोबाइल नेटवर्क के अंदर कवर्ड है सो वाई नॉट वी यूटिलाइज दैट नेटवर्क उस नेटवर्क को हमें यूटिलाइज करना चाहिए तो उसी के लिए ये रिपोर्ट जो है थोड़ी कॉल फॉर कर रही है प्लस इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हाईलाइट है, इट रिवील्स दैट हैव मल्टी वन कंट्रीज वार्निंग हजार इंस्टॉल्ड ठीक है जी विच इज बेस्ड ऑन मोर कंप्लीट डेटा फ्रॉम देंडाइव फ्रेमवर्क मॉनिटर सेंडाई फ्रेमवर्क है बच्चे 2015 से लेके 2030 तक हमारे डिजास्टर को लेके हमारी कैसी आउटलुक रहेगी वो सेंडाई फ्रेमवर्क हमें वो डील करना सिखाता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये कौन से फ्रेमवर्क का सक्सेसर है इससे पहले हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था नाउ सेंडाई फ्रेमवर्क इज दी फ्रेमवर्क है ना इज दी एग्रीमेंट बेसिकली जहां पे आपके पास में सात टारगेट्स हैं सेवन टारगेट्स दैट यू नीड टू अचीव 13 हैं और फोर पिलर है ना? तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या मतलब पूरा पढ़ने वाला है बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है वो गाइडिंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं टारगेट्स भी बहुत अच्छे हैं पिलर्स भी बहुत अच्छे आपको डिजास्टर पूरा समझ में आ जाता है डिजास्टर है क्या आगे चलते हैं रिपोर्ट कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ थ्री बिलियन यूएस डॉलर ओवर फाइव ईयर्स जो कि जस्ट फिफ्टी सेंट पर पर्सन पर ईयर पढ़ते हैं टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर रिस्क नॉलेज एंड मैनेजमेंट है ना तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप डिजास्टर को मैनेज करना चाह रहे हो रिस्क को कम करना चाह रहे हो नुकसान को कम करना चाह रहे हो तो ये कॉस्ट है जी उसकी है ना अब ओवरऑल अर्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो बेसिक फंडा है वो बच्चे यही है कि ह्यूमन लाइफ आर वैल्यूएबल फंडा इसके पीछे ये है हालांकि आपको वॉर्स वगैरह देख के ये नहीं लग रहा होगा कि यार ह्यूमन आर आर वैल्यूएबल बट दे है ना हमारी बाकी सारी चीजें इसी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं वॉर एक है वॉर एक क्योस है आगे चलते हैं बच्चे नाउ इट अलाइंस विद द प्रायोरिटीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड सपोर्ट्स की प्रोविजन ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर्टिकुलरली टारगेट जी ये मैं आपको बताऊंगा ए बी सी डी ई एफ जी ये टारगेट्स हैं इनके वो भी मैं आपको दिखा देता हूं अभी एक बार आप ये देख लेते हैं इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट लिविंग द टारगेट्स ऑफ इ्वेंटी थर्टी एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन पॉवर्टी हंगर हेल्थ वाटर क्लीन एनर्जी क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल सिटीज ये भी आजकल क्वेश्चन थोड़े से उठ के आ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ये कितने सस्टेनेबल एस डी जीज को सपोर्ट करता है है ना ये नंबर ऑफ गोल्स तो मोस्टली रिपोर्ट्स के अंदर वो लिखना शुरू कर दिया है रिपोर्ट्स में पहले से ही आ रहा है आपको खुद से देखने की जरूरत नहीं अगर किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो याद कर लो नहीं लिखा हुआ तो लेट इट भी ढूंढने नहीं जाना कि इसको भी कर सकता है उसको भी कर सकता है खासकर ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड देखने को मिला है रिपोर्ट आउटलाइन दी प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड अंडर अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव है ना ये एक इनिशिएटिव है इसके बारे में भी देखते हैं ये भी एक इनिशिएटिव है इसकी भी एजेंसी पूछ सकते हैं वो कि ये इनिशिएटिव किसके अंदर है या फिर ये लिखा आएगा कि ई डब्ल्यू फॉर न्यूमेरिक फॉर ऑल है ना कि इसका क्या मतलब है ये किससे रिलेटेड है तो इट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है राइट right, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है ये भी आपका एक पोटेंशियल जो है बच्चे ये प्री का सवाल है है ना तो आपने ध्यान रखना है इसके अंदर मैंने आपको बताया था नाइन्टी फाइव पॉपुलेशन एबल टू एक्सेस अ मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क देर आर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज टू लेवरेज दी मोबाइल नेटवर्क और हम नहीं कर रहे हैं बच्चे ये है वो टारगेट्स जो मैं आपको बता रहा था सेंडाई फ्रेमवर्क के जिसको नई डिटेल में पता आप जरूर देखिए ये वाले ए बी सी डी ये चार टारगेट्स हैं जिसमें हमने सब्सटेंशियली रिड्यूस करना है ग्लोबल डिजास्टर मॉर्टेलिटी को कर रिड्यूस करना ये रिडक्शन के टारगेट्स हैं Right? और ये वाले जो टारगेट्स हैं बच्चे, ये इंक्रीज करने के टारगेट्स हैं तो तो वो जिसकी बात कर रहे थे टारगेट टारगेट की, ठीक है? है. ये आपका G इसके अंदर अगेन आप जो अपने एग्जाम के अंदर आप डायरेक्टली जो है वो कोट कर सकते हो अगेन ईडब्ल्यू फॉर ऑल है ना ये ऑर्गेनाइजेशन एंड सेम ही इसकी एजेंसी है बच्चे अलग एजेंसी

please check out abhimanyu IAS current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.